नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग अपने अगले टॉपिक में प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित कुछ बातें करेंगे। और इससे पहले हम लोग ने इन प्राथमिक क्रियाओं में मानव जीवन के बारे में देखा था और कैसे उसने विकास कार्य किया और अलग अलग कृषि कार्य, पशुपालन, ये सब कार्य शुरू किया। आज हम लोग देखते हैं चलवासी पशुचारण, इससे संबंधित कुछ बातें हम लोग आज करेंगे। तो अब ये पशुचारण क्या है, क्योंकि जैसे जैसे आदि मानव ने विकास का अनुभव किया और शिकार करके, चूंकि पशुओं का विनाश हो रहा था, तो उसने अपने पशुओं को मित्र बना करके पालना प्रारंभ कर दिया और उन्हीं पशुओं से उसने भोजन, वस्त्र, यातायात, औजार और इस तरह की सब कार्य शुरू कर दिए उसने। साथ में पर्यावरण के अनुकूल पशुओं को पालतू बनाया उसने और पशुपालन में कृषि का सहायक उद्योग बन गया, क्योंकि कृषि में सभी पशुओं की आवश्यकता पड़ने लगी और धीरे धीरे पशुपालन व्यवसाय विकसित हो गया। और इसी से फिर आगे आता है नंबर कि चलवासी पशुचारण। अब ये चलवासी पशुचारण क्या है, तो लोगों ने जीवन निर्वाह का जो प्राचीन काल से व्यवसाय शुरू किया था, उस व्यवस्था में पशुपालक अपने पशुओं के साथ चरागाह और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं और ये चरवाहे घुमंतु चरवाहे क्या कहलाते हैं घुमंतु चरवाहे कहलाते हैं। और इनके निश्चित चरागाह क्षेत्र होते हैं और पर्यावरण में अलग अलग पशु ये पालते हैं। अफ्रीका में जैसे है तो पशुपालन में गाय बैल पालते हैं, जबकि सहारा और एशिया का जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ भेड़, बकरी, ऊंट आदि का पालन किया जाता है और तिब्बत में लामा और ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में पशुपालन का कार्य होता है और यहाँ मानचित्र में भी आपको शो कर रहा है कि किन किन क्षेत्रों में चलवासी पशुपालन होता है। ये आपका मध्य एशिया का क्षेत्र भी यहाँ पे शो कर रहा है, ये मध्य एशिया का क्षेत्र है और इसके अलावा ये आपका अफ्रीका का भी क्षेत्र है, ये अफ्रीका का क्षेत्र हो गया, ये मध्य एशिया का क्षेत्र हो गया, इधर ये अरब का क्षेत्र हो गया यहाँ पे, और ये साइबेरिया का क्षेत्र हो गया। इन क्षेत्रों में पशुपालन, चलवासी पशुपालन हुआ करता है। इसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं तो कुछ और इसमें पढ़ते हैं कि ये जो चलवासी पशुपालन था और इसमें दूसरे क्षेत्र यूरोप और एशिया में ये टुंड्रा प्रदेश तक ये विस्तृत है और साथ में ही दक्षिण अफ्रीका एवं जो मेडागास्कर द्वीप है वहां तक ये विकसित है। अब ये जो चलवासी पशुचारण है इसकी विशेषताएं क्या है, तो इसकी विशेषताएं में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नए नए चरागाहों की खोज हो गई। अब ये देखिए आप जो है यहाँ पे नए नए चरागाहों की खोज हो गई और पशुचारक मैदान से लेकर पर्वतीय क्षेत्र तक की लंबी यात्राएं करते थे। गर्मियों में पर्वतीय क्षेत्रों में, जबकि शीत ऋतु में मैदानी क्षेत्रों में ठहरते हैं और इस व्यवस्था में ऋतु प्रवास के नाम से इसको जानी जाती है कि ऋतु जैसे ही अनुकूल होती वैसे वो अपने स्थान पे वापस आ जाते हैं। और यदि ये घर देखते हैं कि भारत में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भट और भूटिया ये ऐसे चरवाहे समूह हैं जो कि अपने समय में ऋतु प्रवास किया करते हैं। इसके अलावा नंबर आता है हमारा वाणिज्य पशुपालन का। अब ये वाणिज्य पशुपालन क्या है, तो इसमें ये निश्चित हुआ यहाँ से कि जिन क्षेत्रों में पशुपालन के लिए उत्तम भौगोलिक सुविधाएं पाई जाती हैं वहां पे वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज चाहिए, विस्तृत चरागाह भी चाहिए आपको, है ना, और पर्याप्त पूंजी और उन्नत तकनीक चाहिए और समशीतोष्ण जलवायु एवं उन्नत नस्ल के आपके पास पशु भी होने चाहिए और पशुओं पे आधारित जो भी दुग्ध, मांस, चमड़ा उद्योग का विकास है ये सब भी आपके पास होने चाहिए, तब वाणिज्य पशुपालन हो सकेगा। और किन किन क्षेत्रों में ये पशुपालन होता है इसमें आपके अलग अलग इसमें साइट दिए गए हैं, इन साइटों को आप यहाँ से देख लेंगे। ये आपका कुछ एशिया का क्षेत्र आ गया,
मध्य एशिया यूरोप का क्षेत्र है, इधर ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र मिल गया, ये दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र मिल जाता है, और ये दक्षिणी अमेरिका में कुछ अमेजन क्षेत्र का, ब्राजील क्षेत्र का ये क्षेत्र मिल जाएगा, और यहाँ यूएसए का कुछ क्षेत्र कोलंबिया वगैरह का मिल जाएगा। ये कुछ विश्व में ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे विस्तृत रूप से वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक ढंग से और क्या काम किए जा सकते हैं, दूध मक्खन पनीर का उत्पादन भी किया जा सकता है, मांस की पैकिंग करके उसको बाहर भेजा जा सकता है, और पशुओं में जो प्रजनन होता है या रोग हटाना है, नस्ल सुधार करना है, इन सब की उत्तम व्यवस्था होती है। इसके बाद और आगे यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे अब कृषि की बात है। यहाँ पे अब ये कृषि कितने प्रकार की कृषि होती है ये भी यहाँ पे है। तो जहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है और जल उपलब्ध होता है वहीं पे खेती किसानी का काम हुआ करता है। उपजाऊ मिट्टी जल है, अनुकूल जलवायु है, और भौतिक सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि विकास में सहायक होती हैं, और कृषि के फसलों को बोने काटने और पशुपालन की क्रियाओं को सम्मिलित इसमें किया जाता है। अब आगे हम लोग अगले टॉपिक में ये देखेंगे कि कृषियों के कौन कौन से प्रकार हैं। आज हम लोग ने दो चीजें देखी, कौन कौन सी, चलवासी पशुचारण, एक ये आइटम देखा, और दूसरा यहाँ पे एक टॉपिक है हमारा वाणिज्य पशुपालन की व्यवसायिक दृष्टि से पशुओं का पालन हम कैसे कर सकते हैं, उनके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, और विश्व में कहाँ कहाँ ये मिलती है। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट टर्न में चर्चा करेंगे। इसके नोट्स बना करके आप लोग चेक करा लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।